मैं सरकार के इस निर्णय के पक्ष में हूं, आप लोग भी मेरी बात से शायद समर्थन करेंगे। सरकार के इस निर्णय के मैं पक्ष में हूं और समस्त माता पिता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि बेटी को पढ़ाना परम आवश्यक है। कोई बेटी नाबालिग ना हो, कोई बेटी बिना पढ़ी ना हो। शादी की बात तब हो जब बेटी को आप पढ़ा दें, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो इस देश का विकास होगा। बेटी को पढ़ाएंगे नहीं तो वो कल अपने बच्चे को होमवर्क कैसे कराएगी? सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को एक क्लास का होमवर्क कराना कठिन कार्य हो गया, पढ़ाई टफ हो गई है। बेटी को पढ़ने का पूर्ण रूपेण आप लोग उसका सहयोग करें, पढ़ने दें। सरकार ने कहा कि उम्र 21 साल होनी चाहिए, बोलो अभी सरकार का जियो आया है, हम उसमें भी सहमति दे रहे हैं और सरकार के साथ खड़े होंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन सरकार से मेरा एक अनुरोध है, शादी 21 में ही होनी चाहिए, शादी पढ़ा उसको पढ़ना अनिवार्य किया जाए। लेकिन एक बात सरकार और अनिवार्य करे कि शादी जिस दिन भी होगी उस दिन बिना माता पिता के मर्जी की नहीं होगी, तब यह देश का सौभाग्य बनेगा। नहीं तो देश में वही होगा जो हम नित्य देख रहे हैं, कहीं 35 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं 30 टुकड़े हो रहे हैं। ये क्या है? ये देश में इसीलिए हो रहा है कि वहां पर सरकार छूट दे रही है कि उसकी जो मर्जी हो, वो बालिग है, कुछ भी कर सकती है। कुछ भी करने से परिणाम ये होगा। ये आज आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो शर्मनाक हैं। बेटियां भी पढ़ रही हैं, आप सब भी पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोज आ रहा है, ये क्यों हो रहा? इसलिए कि पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि दुनिया में कोई माता पिता से बड़ा हितैषी होगा। अरे जिन माता पिता ने तुम्हें सब कुछ खून दे करके, जीवन दे करके, ब्याज पे रुपए लेकर पढ़ाया है, वो तुम्हारा बुरा सोचेंगे? कम से कम उनका आशीर्वाद लिए बिना अगर तुम चाहते हो कि हम सब कुछ हो गए तो ये बेईमानी है, जरूर इसका दंड भगवान देगा। आज कई बेटा बेटियां ऐसा कर रहे हैं कि माता पिता बेचारे मरने की कगार पे बैठे हैं, लेकिन उनके खिलाफ में ही अपना निर्णय कर रहे हैं, ये गलत है। कम से कम माता पिता की तो अनुमति हो। क्या आपका पक्ष है, बोलो, आप लोग इसमें सहमत हैं कि नहीं? माता पिता की अनुमति के बगैर अगर हो रहा है तो वो कैसा विवाह है? किस प्रकार की खुशी चाहते हैं आप? अरे क्या इनका दिल दुखा के आप खुश रह पाएंगे? ये तुम्हारे सर्वस्व हैं, इनका मन तो दुखी ना किया जाए, इनकी तो राय हो। हाँ, आप अपना अपनी सलाह दें, अपने मन का मंतव्य दें, लेकिन अनुमति उनकी जरूरी होगी। नहीं, अगर तुम कहोगे तो ऐसा करेंगे, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। ये तो हर बेटा बेटी का धर्म होना चाहिए।